बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले आलू के पराठे। स्टार्ट करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं आज की जो हमारी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले आलू के पराठे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो जो आलू लिया है उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। तो अब इसमें बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। क्रश मेरे पास धनिया है रोस्टेड, वो मैं ऐड करी हूँ 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर है इसमें 1 खाने का चम्मच, ये भी रोस्टेड है, पाउडर है। और जो है इसके साथ ही गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। जो धनिया था वो रोस्टेड हमारा नहीं था, बाकी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं जैसे कि ज़ीरा, वो रोस्टेड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च है, बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब। अब जो है इसके अंदर हम ऐड बाकी चीज़ें करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच। इसके साथ मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। चॉप हरा धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। चॉप पुदीना इसके साथ जो है इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हसबे जायका। इसके साथ जो है इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो अब इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। अच्छा देखिए, मैंने अपनी फिलिंग को जो है मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो है 1 केजी, मैंने यहाँ पे 1 केजी आटा लिया था। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के उसको मैंने गूंद लिया है। और आप इसमें नॉर्मल आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गूंदने के बाद हम जिसको रख देंगे कवर करके, मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो अब इसके जो है हम पेड़े तैयार करेंगे। जितने आपको पेड़े बनाने आप बना सकते हैं, बड़े भी और छोटे भी। थोड़ा सा तो इसमें चिल्ली ऐड करें। देखिए, इसको मैंने बेल लिया है और अब इसके अंदर जो है हम फिलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसकी फिलिंग को चाहें तो कम कर सकते हैं। अगर आप किसी को भरे हुए पसंद होते हैं पराठे बहुत ज़्यादा आलू, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी को नॉर्मली ये पसंद होते हैं तो आप इसमें मर्ज़ी से जो इसको फिलिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको जो है हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो जो है मैं बेलूंगी। ठीक है, और जो है अब मैं इसको बेलूंगी। ये देखें, हमारे जो पराठे मैंने बेल लिया है, तब इसको बाकी भी हम जो पराठे हैं वो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए, अब मैं तवे पे जो है डालूंगी पराठा। ठीक है,
अच्छा देखिए, इसको हम पलटेंगे अब नीचे की साइड से भी इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब मैं जो है इसके ऊपर घी लगाऊंगी। इसको हम मतलब से घी लगा लेंगे। ठीक है, इसको मैंने घी लगाया है और अच्छे तरीके से इसको हम जो है फ्राई करेंगे घी में। देखिए ये रेडी हो चुका है और फ्राई भी हो गया, कलर आ चुका है इस पर, तो हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, मसाले वाले आलू के पराठे रेडी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बना खा सकते हैं चटनी के साथ या रायते के साथ या चाय के साथ, रात में आप खा सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो रात में भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और इसके अलावा आप नाश्ते में भी इसको सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आप सर्दियों में इसको आप खास इन्जॉय कीजिए। और मुझे बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।